हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन व्हाई डिड फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडिक सॉरी प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ प्रिंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक इन 1848 बोला गया है कि जो फ्रेंच के आर्टिस्ट थे फ्रेडिक सॉरी उन्होंने क्यों प्रिपेयर की एक सीरीज प्रिंट बेस्ड किस पे डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक में किस ईयर में 1848 में

ड्रीम उन्होंने अपने उनका जो ड्रीम वर्ड था उसको इन्होंने विजुलाइज करा मतलब इस तरीके से पेंटिंग बनाई जो वो चाहते थे फ्यूचर में कैसा हो ड्रीम वर्ड जिस तरीके का वो चाहते थे उन्होंने अपनी पेंटिंग पेंटिंग उसको प्रिंट किया इट शोज जो जो कि उनकी सीरीज जो, ऑफ जो थी वो शो कर रही थी इट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका वो शो कर रही थी कि जो लोग हैं यूरोप के और अमेरिका के मेन एंड वुमेन मेल और फीमेल औरत और आदमी दो लोग दोनों ज ऑफर homage. Homage कर रहे हैं होमेज मतलब क्या होता है श्रद्धांजलि किसी के लिए श्रद्धांजलि दैट इज कॉल्ड होमेज होमेज ऑफ द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इन्होंने अपने इन्होने क्या किया एक प्रिंट पर इन्होंने एक आ, फोर प्रिंट्स बनाए एक सीरीज के इसमें इन्होंने अपने सपनों की दुनिया दिखाई और इसमें इन्होंने देखा कि जो यूरोप इन्होंने ऐसा बनाया उसमें कि जो यूरोप और अमेरिका के सारे के सारे एज ग्रुप के मेल फीमेल वो ऑफर कर रहे हैं श्रद्धांजलि स्टेचू ऑफ लिबर्टी को एक साथ मिलकर सब लोग ये कर रहे हैं और यही इन यही इनका ड्रीम ऑफ वर्ल्ड था जो कि इन्होंने अपनी फोर प्रिंट सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स के थ्रू इन्होंने इन्होंने उसे एक्सप्लेन किया अपने ड्रीम को विजुलाइज किया Hope you understood it well. Best of luck.